दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू A18 तेलंगाना न्यूज। फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनि कुमार IPS विजिटेड चारमीनार टू इंस्पेक्ट द लॉकडाउन एंड ब्रीफ द मीडिया अबाउट लॉकडाउन नॉर्म्स एंड ऑल्सो वाइल अटेंडिंग अ वेबिनार विद उलेमास ऑन द मैटर ऑफ ईद उल फित्र नमाज। CP सेज वी कैनॉट कीप मॉस्क एम्प्टी, दैट्स व्हाई वी आर परमिटिंग मैक्सिमम 4% टू ऑफर नमाज इन मॉस्क ऑन द ईव ऑफ ईद उल फित्र। सेम ऑल्सो अपील्स बाय AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी टू Muslims to offer namaz at home. A18 Telangana News Bureau. Assalamu alaikum. हमारे बुजुर्गों, अल्लाह के करम से 29 रमजान सुकून से गुजर रहा है। आप सबको सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमते तेलंगाना के ऑर्डर के मुताबिक लॉकडाउन शुरू हो गया आज सुबह 10 बजे से। हाई कोर्ट की सख्त निगाह भी हम लोग के ऊपर है। कल हमारी हाजिरी भी हाई कोर्ट में हुई। हमारी गुजारिश है कि आप घर में ही नमाज अदा करें, आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। ये मस्जिद को वीरान करना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मशवरा दिया है कि 4 सेलेक्टेड लोगों के साथ नमाज अदा कर लें मस्जिद में। ये जालिम कोरोना वायरस आपके घर में घुसने के लिए बेचैन है। याद रहे कि खुद चलकर ये आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप रमजान खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद कर ला रहे हैं वापस, तो उसके साथ ये आपके घर में दाखिल हो जाएगा और फिर आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को परेशान करेगा। इसको रोकिए, अपने घर में ही अंदर रहें, ईद की नमाज घर में ही अदा करें, यही हमारी इल्तिजा है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वेबिनार में शरीक होने का मौका दिया। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर पुलिस साहब, और आपसे आपका शुक्रिया अदा भी करूंगा कि 3-4 लोग शरीयत के इत्तेबार से भी मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल रहमानी साहब और मुफ्ती गयास साहब, ये तमाम जिम्मेदारन का ये है कि मुकामी मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, तो इसलिए आपका भी शुक्रिया सर, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल CP ट्रैफिक, एडिशनल CP क्राइम, DCP साउथ, DCP सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है, लेकिन जो भी नंबर है इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को इन्फोर्स किए, तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुज़ुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, उनको एग्जेम्प्शन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी एग्जेम्प्शन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियाँ में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं
अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है, तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो DCP सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस लाने आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो ई पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए, तो आप अप्लाई करें। लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज्जत करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें, इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी इम्प्रूव हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पैगाम मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमान हजरात के लिए दे रहा हूँ। हमने अभी वेबिनार किया जिसमें मुफ्ती इकराम मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती गयाज़ रशादी साहब और दीगर उलमा इकराम तेलंगाना के ज़िला के इस वेबिनार में शामिल हुए। हम तमाम ने मुत्तफ़िका ये फैसला लिया है कि हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का जियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मस्जिद की और दीगर मजहबी इबादत गाहें बंद रहेंगी, और मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए, मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। इस वेबिनार में होम मिनिस्टर साहब को भी हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है, DGP साहब से मैंने बात की है। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है कि ईद की नमाज हमको अपने घर में पढ़ना है, हमारे मुकामी मस्जिद में 3 से 4 अफराद जो मस्जिद के खिदमत गुजार हैं अदा करेंगे। कोविड का पूरा लिहाज रखिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करिए। यकीनन इस लॉकडाउन से गरीबों पर बहुत बड़ा तकलीफ बनेगी। मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूं, मगर हाई कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है और हुकूमत ने जियो भी जारी किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद की नमाज घर में पढ़िए, और जो मुफ्ती इकराम ने कहा है कि या तो इशराक या चाश की नमाज पढ़िए, या फिर अगर कोई घर में काबिल है तो वो ईद का खुतबा भी दे सकते। बहरहाल घर में ईद की नमाज पढ़ना है, कसरत से दुआ करिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना उताला इस वबा से पूरे मुल्क को छुटकारा दिला दे, तेलंगाना रियासत में अल्लाह इसको खुशहाल बना दे, तमाम इंसानियत को अल्लाह इस वबा से छुटकारा दिला दे। आप तमाम से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद की नमाज अपने घर में पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।